बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम व्यूअर्स। अभी अभी उठ कर आई हूँ और आज इसका सेकेंड डे है, तो रात काफ़ी लेट सोए थे हम लोग। नीचे डिनर था अम्मी के पास, फिर काफ़ी लेट हो गया था हमें उठते उठते। अभी मैं तकरीबन 10 बज रहे, 9:45 हो रहे, तो कसाई आ चुके हैं बकरा काटने के लिए। आज हमारे बकरे कट जाएंगे। हम पहली को फर्स्ट डे नहीं काटते हैं, बकरों को सेकेंड डे काटते हैं। तो अभी आए हैं बेचारे काटने के लिए, दो बल्कि कट भी गए हैं। अभी हमारा रहता है, अम्मी का कट चुका है और देवर का भी कट चुका है। अभी जो है वो हमारे वाले की थोड़ी देर में बारी आ जाएगी। बस अल्लाह मियाँ सबकी कुर्बानी मंजूर करे और उस इस कुर्बानी का उन सबको अजर मिले जिन्होंने कुर्बानी अपने दिल से की है। अल्लाह के नाम पे जो जो कुर्बानियाँ करते हैं अल्लाह मियाँ उनको इसका सवाब और अजर ज़रूर देगा। बहरहाल आज हमारे बकरे कट जाएंगे और फिर मुझे लगना है काम पे, सब कुछ करना है। अभी मेरी स्वेलिंग हो रही है चेहरे पे, क्योंकि आपको पता है मेकअप करो तो फिर थोड़ी सी स्वेल आ जाती है, नींद भी पूरी ना हो तो। बहरहाल देखते हैं अभी हमारा बकरा कब कटता है, उसके बाद मैं इससे बांटूंगी, लोगों को दूंगी, उसके बाद फिर देखते हैं कि आज का प्रोग्राम क्या बनता है, कैसे बनता है, वो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी मैं आपको बकरे दिखाती हूँ जी। अभी हमारे बकरे की कुर्बानी हो रही है। आ गया हमारा बकरा, यही जोएब के साथ चिपक रहा है, देख रहे हो जोएब के साथ चिपक रहा है। पता चल गया कि अब मैं भी जाने वाला हूँ अल्लाह की राह में। देख दी उसके ऊपर चढ़ रहा है, देख। मुझे लग रहा है ये लोगों से मानूस है ना। जी व्यूअर्स, तो बकरा तो हमारा कट चुका है और फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी बना लिया, अपना भी और हस्बैंड का भी। अभी वो नीचे गोश्त बना ही रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है उनकी खाल वगैरह उतरती है और फिर वो लोग जो है वो उसको बनाते हैं। फिर मैं नीचे गई, उनको जाके बता दिया कि मतलब किस तरह का गोश्त बनाना है। 6 hours later। जी व्यूअर्स, तो अभी ईद का सेकेंड डे है और हैदराबाद से जो है वो खबर आई कि मेरे ससुराल में खाला मतलब मेरी सास की जो चची हैं उनकी डेथ हो चुकी है। तो फिर मैं और हस्बैंड जो है वो हम लोग चले गए थे क्योंकि नीचे फौजे वाले आए थे तो अम्मी जा नहीं पाई थी, तो हम दोनों ही निकल गए। और अभी जो है वो हम लोग हैदराबाद टूल प्लाजा पे आ चुके हैं। रास्ता बहुत लंबा था, मैंने नहीं दिखाया, अगर दिखाती तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। और अभी जो है वो हैदराबाद शुरू हो चुका है और फिर वहाँ पे घर पे जो है वो हमने आंटी को कॉल करके, खाला सास वहाँ वहीं रहती हैं, उनको कॉल किया कि अभी जनाजा घर पे है, यहाँ के उठा लिया गया तो निकाल के, नहीं घर पे है, आप घर पे आ जाएं। तो हम लोग सीधा ही घर पे चले गए। जी व्यूअर्स, तो अभी हम लोग जो है वो हैदराबाद से वापस जा रहे हैं और अभी कुछ रुके हैं कुछ खाने के लिए, कुछ लेना है यहाँ पर। अभी आंटी ने बहुत कहा खाना खाने के, लेकिन उस वक्त आपको पता है कितना दिल नहीं चाह रहा था कि इंसान खाना खाए। बस वो जैसे ही उनकी नमाज जनाजा हुई तो मेरे हस्बैंड जो है और उनके कज़न जो है वो हम लोग फिर निकल कर आ गए थे कि क्योंकि सारे सफ़र बहुत लंबा था। फिर हम रुके थे कि थोड़ा सा कुछ ले लेते हैं कि आगे जाके शायद ज़रूरत पड़ जाए कुछ खाने की, क्योंकि आपको पता है तकरीबन 2:30 बजे हम पहुंचते। तो रास्ते में चांद इतना अच्छा लग रहा था तो मैंने जो है वो उसकी थोड़ी सी वीडियो ले ली थी। अभी जो है अभी हम हैदराबाद टूल प्लाजा पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर कोई नहीं बैठा, सब खाली बैठा। ये नाइट में जो है वो DHA कराची है जो कि बैरियर टाउन से काफ़ी आगे हैदराबाद और उसके बीच में है। अभी जो है वो हम लोग कराची टूल प्लाजा पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमने पेमेंट की। पेमेंट करने के बाद जो है वो हम अपने घर की तरफ जा रहे थे और फिर हमने कामरान भाई को घर छोड़ा और वहाँ पे इतना खूबसूरत ऊँट कुर्बानी का खड़ा हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। The next day.
जी व्यूअर्स, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। अरिबा हिबा और बानू वाले रेडी हो रहे हैं। अभी अभी हमारा प्रोग्राम बन गया है मैकडोनल्ड जाने का। तो आपको पता है ईद पे 3 दिन यहाँ, बल्कि 4 दिन, अब तो संडे भी आ गया साथ, 4 दिन बहुत रश होता है, बेतहाशा रश होता है। लेकिन हमने कहा कि चलो हम 2 दिन तो निकले नहीं, कल तो हम मेरा सारा दिन हैदराबाद हमारा जो है वो आना जाने में गुजर गया। और आज हमने सुबह से लेके, क्योंकि अरे रात को मैं थक चुकी थी तो मैं सुबह बहुत लेट उठी थी, तो फिर खाना वाना खाया और मेड भी नहीं आई, उन्होंने भी छुट्टी कर ली, तो सारे काम बढ़ गया मेरा। तो बहरहाल जो है वो अभी जो है वो हम लोग मैकडोनल्ड जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, और देखते हैं कि कहाँ कहाँ जगह मिलती है, क्योंकि मुझे जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है सब फुल मिलेगा आज के दिन। तो देखते हैं कि कौन से मैकडोनल्ड, वैसे हमें पहले हम जाएंगे तकरीबन कोई एयरपोर्ट वाले मैकडोनल्ड में, अगर वहाँ जगह मिल जाती है तो फिर, अगर जगह मिल गई तो वहीं बैठ जाएंगे, नहीं मिली तो फिर 2-3 और मैकडोनल्ड देखेंगे जहाँ हमें जगह मिल जाएगी बैठने की, वहाँ पे फिर हम लोग बैठ के इंशाल्लाह जो है वो फिर जो बच्चों ने खाना होगा वो खाएंगे और मंगवाएंगे और थोड़ा सा इन्जॉयमेंट हो जाएगी। और अभी सब रेडी हो रहे हैं, बस मैं सबसे पहले रेडी हो चुकी हूँ, तो बस रेडी हो रहे हैं, रेडी होके फिर हम इंशाल्लाह निकलेंगे यहाँ से मैकडोनल्ड की तरफ, और आप भी हमारे साथ चलिएगा। A few moments later. What's the matter? आज बोली नहीं, इसीलिए तुमने बोल दिया। जी बस अभी हम लोग आए हुए हैं एयरपोर्ट पे, और यहाँ पे मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड से कुछ खाएंगे पिएंगे और देखते हैं। ज़्यादातर तो ऐसे आइसक्रीम खाने आए हैं, लेकिन फिर देखते हैं कि आगे और बच्चे क्या खाते हैं। शाहरे फैसल वाला बड़े मामे का बिल्कुल जगह नहीं। वेट करो यहाँ तो नहीं हो। जी व्यूअर्स, अभी हम यहाँ से वापस जा रहे हैं क्योंकि एयरपोर्ट वाला मैकडोनल्ड टोटली फुल है, गजब बेइज्जती है, अंदर बाहर कोई जगह नहीं है। तो अब देखते हैं कैंट वाले में जाते हैं, वहाँ मिलती है जगह या नहीं मिलती है। जी व्यूअर्स, तो अभी सब गाड़ी में बैठ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं कैंट के मैकडोनल्ड पे। अब देखते हैं कि वहाँ पे हमें सीट मिलती है या नहीं मिलती है, देखते हैं क्या। जी मैं बस मानूर वहाँ पे भी गई थी और वहाँ पे भी ऊपर नीचे फुल है, तो उन्होंने पेट्रोल भरा है। अब हम लोग कारसास की तरफ जा रहे हैं। जैसे वो नहीं था ल्यूक डैम में 3000 लूंगा, 3000 याद है। देख लो ड्राइव इन पे भी अच्छा खासा रश है, गाड़ियाँ तो है वैसे, ये बात तो है। वो देखो कैसे जा रही गाड़ियाँ आराम से, अब पता नहीं यहाँ पे भी मिलेगा कि नहीं मिलेगी। जी भी बस अभी हम ये कारसास के मैकडोनल्ड्स पे आए हुए हैं, अब हम देखते हैं कि यहाँ जगह मिलती है या नहीं मिलती है। जी बस मानूर पहले आ चुकी थी अंदर, उसने जगह घेर ली थी, तब तक हम लोगों ने गाड़ी वगैरह पार की, हम लोग अंदर आए। तो अल्लाह का शुक्र है कि कारसाज वाले मैकडोनल्ड में हमें जगह मिल गई, और अभी जो है वो मानूर अपना ऑर्डर दे रही है, बच्चे वहाँ सीट पे बैठे हुए हैं, और जिस जिसने जो जो खाना था उसका ऑर्डर जो है वो मानूर कंप्यूटर पे दे रही है। अब जो है वो ऑर्डर दे के हम लोग पेमेंट करके फिर जाके बैठ जाएंगे, और हमारा ऑर्डर जो है वो खुद ब खुद जो है वो हमारी सीट पर डिलीवर हो जाएगा। जी भी बस, तो ऑर्डर हमने दे दिया है, फिर मैं और मानूर जो है वो हम लोग आके सीट पे बैठ गए, क्योंकि ज़ाहिर है तकरीबन 15-20 मिनट्स तो लगते हैं। तो जब तक हम लोग वो कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने सबसे पहले आइसक्रीम, हमने कहा था कि बाद में डिलीवर करना, पहले हमें जो है वो फ्राइज़ और बर्गर्स वगैरह जो है वो उन्होंने सर्व किए, और
मानूर जो है वो चेक कर रही थी कि मतलब कि चीज़ें जो है जो हमने मंगवाई हैं वो पूरी हैं या नहीं है। फिर सबको जो अरीबा ने खाना था, हिबा ने खाना था, राफी ने खाना था, उनको वहाँ पीछे वाले टेबल पे दे दिया और हम तीनों का जो है वो इस टेबल पे था। बहरहाल हमने खाया और बहुत मज़ा किया। और उसके बाद जो है वो हमारी आइसक्रीम आ चुकी थी, फिर हमने आइसक्रीम खाई मज़े से। मैं कप में नहीं खाती, मैं कोन खाती हूँ। मैं और मानूर ज़्यादातर हम लोग कोन खाते हैं, तो इसीलिए मानूर मेरे लिए और अपने लिए उसने कोन ऑर्डर की थी। तो अभी जो है वो खा चुके हैं कुछ, बस आइसक्रीम ख़त्म हो गई, अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। जी व्यूअर्स, बड़ी मुश्किल से यहाँ हमें जो है वो मिल गई थी, तो अभी हम लोग जो है अब जा रहे हैं। खा लिया है हमने उन्हें। मैकडोनल्ड से आ चुके हैं और बस बैठे बैठे प्रोग्राम बन गया था। मैकडोनल्ड खाने का तो बस तैयार हुए, रेडी होके चले गए। और आप लोगों के साथ मुझे ये आज का ड्रेस, आज ईद का तीसरा दिन है और कल का तो हमारा बहुत बिजी दिन था लेकिन आज हम थोड़ा सा निकल गए थे घूमने के लिए ये ड्रेस जो आज मैंने पहना हुआ ब्लैक कलर का, ये खाड़ी का है और इसका ट्राउजर जो है वो भी खाड़ी का है और प्लस ये शर्ट भी जो है वो खाड़ी की। दुपट्टा मेरा अपने घर का है, दुपट्टा मैंने नहीं लिया क्योंकि दुपट्टा मेरे पास ब्लैक कलर का था। कमेंट्स में बताइएगा कि ब्लैक ड्रेस मेरा कैसा लग रहा है आप लोगों को, अच्छा लगा बुरा लगा। कि मुझे और सेम ऐसे ही हिबा ने भी लिया और मैंने भी लिया, हम दोनों का ड्रेस जो है वो बिल्कुल सेम है ब्लैक कलर का। जी व्यूअर्स, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने कपड़े एकदम से चेंज कर लिए और वीडियो को मैंने एंड नहीं किया। तो जब मैं कपड़े चेंज कर चुकी थी उसके बाद मेरे जहन में आया कि अरे मैंने तो वीडियो एंड की ही नहीं और आप लोगों के साथ खुदा हाफिज़ बोला ही नहीं, गुड नाइट भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, और मैंने जो है वो वीडियो बंद कर दी और कपड़े भी चेंज कर दिए। बहरहाल जब मैं मेकअप तो मेरा हुआ हुआ ही था, सिर्फ मैंने कपड़े ही चेंज किए थे, तो मैंने कहा कि चलो मैं जो है वो वीडियो की एंडिंग कर देती हूँ। तो बहरहाल सब जो है वो अपने अपने कमरों में चले गए, तो मैं जो है वो उस वक्त अपने रूम में थी। तो मैंने कहा कि चलो आप लोगों के साथ मैं एंडिंग भी कर लूं और गुड नाइट भी कह दूं। एंड करने के लिए जो है वो दोबारा अपना कैमरा खोल लिया है। तो बताइएगा कि ये मेरे दो दिन का जो ब्लॉग होगा, सेकंड डे एंड थर्ड डे, तो बताइएगा कैसा आप लोगों को लगा। और अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आगे अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दीजिएगा। तो बेल आइकन को ज़रूर क्लिक किया करें, क्योंकि आपको पता है कि जब तक आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा जब तक आप बेल को क्लिक नहीं करेंगे। बेल को क्लिक करेंगे तो मेरी जो नई वीडियो होगी वो इंशाल्लाह आप लोगों तक उनका उस वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो फिर तो ज़ाहिर है फिर आप लोग देखेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं कर रही हूँ एंड। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और आप सबकी ईद अच्छी गुजरी होगी अल्लाह के फजल करम से, सबकी कुर्बानी भी अच्छी। अभी कल का जो मतलब जो दिन है मतलब आज ख़त्म हो गया, तो कल तो संडे है, संडे। तो बहरहाल आप लोगों की कुर्बानी कैसी गुजरी, किस तरह गुजरी और अच्छी गुजरी होगी, अल्लाह मियाँ ने आप सबको कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाई, आमीन सुम्मा आमीन। बहरहाल इसी के साथ एंड कर रही हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में मुझे भी याद कीजिएगा। और इसी के साथ ही गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।